गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गेसिंग लोदी से मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट। राइस वाटर तो मैंने कई तरीके से आपको बताया है कि किस तरह से बनाना है। राइस वाटर के साथ बहुत सारी चीजें मिक्स करके मैंने डिफरेंट तरीके के राइस वाटर आपको क्रिएट करके दिखाया है और जिसका फायदा भी आपको बहुत हुआ है। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा खास है। इसमें आपको राइस वाटर नहीं मिलेगा, राइस ऑयल बनाना मैं बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप लंबे बालों के शौकीन हैं और अपने बालों को लंबे समय तक घना देखना चाहती हैं तो किस तरीके से वो हो सकता है पॉसिबल। तो अगेन राइस इसमें आपकी हेल्प करेगा, लेकिन इस पर राइस वाटर नहीं, राइस ऑयल में बताऊंगी। उसको यूज कीजिए और अपने बालों को बहुत ही लंबे समय तक लंबा, घना और काला बनाकर रखिए। इस वाले रेमेडी की खूबी ये है, ये न सिर्फ आपके बालों को थिकनेस को बढ़ाएगा, लेंथ को बढ़ाएगा, बल्कि आपके बालों को लंबे समय तक ब्लैक भी रखेगा, काला बनाकर रखेगा। तो चलिए देखते हैं इस राइस ऑयल को बनाते कैसे। राइस वाटर तो मैंने आपको बहुत ही तरीके के बताए हैं, तरह तरह के बताए हैं। मुझे तो लग रहा है कम से कम 10-15 टाइप्स ऑफ राइस वाटर मैं बता चुकी हूँ और जिसका बेनिफिट भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिला है। तो आज मैं बताने जा रहा राइस ऑयल, ये भी उतना ही फायदेमंद है, ये भी उतना ही इजी बनाने में है, इसका भी इफेक्ट होगा बालों पर उतना ही ज्यादा वंडरफुल होगा जितना राइस वाटर के होते हैं। तो इसमें बस 2-3 इंग्रेडिएंट मिलाकर ये हमें ऑयल क्रिएट करना है। तो पहला इंग्रेडिएंट, हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट है ये राइस, जो मैंने 1 स्पून लिया क्योंकि मुझे बस आपको सैंपल बनाकर दिखाना है। आप अगर इसमें 3 टेबलस्पून राइस लेते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी 200 ग्राम्स होगा। तो ये देखिए 1 स्पून राइस लिया है, उसमें दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे होगा ये ग्रीन टी। ये जो ग्रीन टी है इसका की क्वांटिटी भी सेम होगी। तो ये दोनों का कंबाइन करके हम ये ऑयल क्रिएट करेंगे। तो या तो आप ग्रीन टी जो बैग होता है वो भी ले सकते हैं, या तो इस तरह जो लूज टी होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी 1 टीस्पून होगी। ये देखिए ग्रीन टी है, ये भी हमने ले लिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से करी लीव्स, ये आपके बालों को काला रखेगा लंबे समय तक, इसलिए कोई भी ऑयल में अगर आप करी लीव डालते हुए देखिए समझ जाइए ये आपके बालों के काला रखने के लिए है लंबे समय तक। साथ ही साथ आप रूट्स हैं वो भी मजबूत होंगे। अब इसमें ऑयल के मैं चॉइसेस आपको बता देती हूँ। या तो आप इस तरह से ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, या तो इस तरह से कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगी तीनों के 1-1 स्पून डालने का, उसके बाद ये ऑयल मैं रेडी करूंगी। तो आप इस तरह से चॉइस ले सकते हो, 3 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन डालिए या फिर तीनों ऑयल में से कोई 1 ऑयल डालिए। तो ये देखिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। 2 टेबलस्पून जो ऑयल है उसमें मिक्स था कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। एक बहुत ही खास चीज़ मैं बता दूं कि करी लीव जब भी इसमें डालें तो ड्राइड फॉर्म में डालें, नहीं तो ये ऑयल ख़राब होने के चांसेस हैं। क्योंकि राइस और ग्रीन टी इन दोनों से आपके ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मे बी अगर पूरे फ्रेश फॉर्म में आप लीव्स डालते हैं तो हो सकता है ख़राब हो जाए। तो अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो ड्राइड करी लीव्स जो है वो यूज़ करें। उसके बाद इसको हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। इतना जब रेडी हो जाएगा उसके बाद इसको 2 दिन ऐसे ही राइस में पड़ा हुआ छोड़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेन करके एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जैसा कि मैं ज़्यादातर अपने जो हर्बल ऑयल्स हैं उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ, मैं स्ट्रेन नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें स्ट्रेन करना ज़रूरी है क्योंकि राइस जो है वो डिस्टर्ब करेगा आपके ऑयल के एप्लीकेशन में। इसको लगाना किस तरीके से वो मैं बता दूँ, इसको वीक में 1 दिन ही लगाइए काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल हेयर ऑयल है। 1 नाइट लगा कर छोड़ सकते हैं अगर आपके बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं तो 1 घंटे में ही ये अपना जो काम है वो कर लेगा। 1 या 2 घंटे के लिए लगाइए, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। ये किसी भी एज के लिए परफेक्ट है, किसी भी स्कैल्प के लिए परफेक्ट है और मेन वुमेन दोनों के लिए, इवन ये बच्चों के लिए भी है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं बता दूँ। सबसे पहले तो मेन बेनिफिट जो है इसका, ये बालों की लेंथ को काफ़ी बढ़ाएगा, आपके बालों को काफ़ी लंबा करेगा, हेयर की रीग्रोथ करेगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। क्योंकि राइस जो है उसमें कॉजिक एसिड होता है, वो हमारे बालों की रिक्वायरमेंट होते हैं। तीनों के तीनों है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, से सिरे तक बाल काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, बाल में वॉल्यूम आएगा, लेंथ आएगा और आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो यूज़ कीजिए इस ऑयल को और अपने बालों को बनाइए बहुत ही खूबसूरत। तो देखा आपने बनाना कितना आसान था, जितना आसान ये बनाना था इसका रिजल्ट उतना ही कमाल का आएगा, ये आप देखिए हफ्ते के बाद देखेंगे। तो इसको क्रिएट कीजिए, इस राइस ऑयल को क्रिएट कीजिए, अपने बालों में रेगुलरली लगाइए और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। होप यू आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।